नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम FAA का मॉक टेस्ट करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो विच ऑफ़ द फॉलोइंग गैसेज यूज टू फिल इलेक्ट्रिक बल्ब। कौन सी गैस इलेक्ट्रिक बल्ब में फिल की जाती है। ऑप्शन ए है हमारे पास एर्गोन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो जो इसका आंसर है, करेक्ट आंसर, वो है एर्गोन, ऑप्शन ए। ठीक है, अब हाँ, सेकंड क्वेश्चन है इंडिया इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट ऑफ विच लैटिट्यूड। तो ऑप्शन ए है हमारे पास 0 डिग्री, ऑप्शन बी है हमारे पास 23.30 नॉर्थ और नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी। क्वेश्चन थर्ड है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन चूज द वन टू कंप्लीट द एनालॉगी मोंकी, ग्रीविल और फ्रॉग। इसका क्या होगा। ऑप्शन ए है हमारे पास ओंक, ऑप्शन बी है क्रॉक, ऑप्शन सी है हमारे पास वुल्फ और ऑप्शन डी है हमारे पास ऑल ऑफ दीज। तो जो इसका करप्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, हमारे पास इसका करप्ट ऑप्शन है। फोर्थ है हमारे पास, विच कॉन्फ्रेंस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP। तो ऑप्शन ए है हमारे पास अर्थ समिशन, ऑप्शन बी है हमारे पास स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन सी है हमारे पास रेड क्रॉस कॉन्फ्रेंस और ऑप्शन डी है हमारे पास UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। तो जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या होगा। UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। तो और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जो हमारे पास स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस। तो अगर आपको और भी ऐसी मॉक टेस्ट चाहिए होंगे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर विजिट करें, प्लेलिस्ट जरूर देखें। विच अमंग द फॉलोइंग फाउंडर द स्लेव डायनेस्टी किसने बनाई थी। तो ऑप्शन है कुतुब ए दिन, ठीक है, तो ऑप्शन बी है नज़ीर ऐद दिन और ऑप्शन डी है मोहम्मद बकलिया, ये हम नाम देख लेना, ऑप्शन डी है कलियन ए दिन मोहम्मद। तो जो ऑप्शन, जो क्वेश्चन नंबर 5 था, उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। अब हमारे पास व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन स्क्रैप्ड एंड नीति आयोग स्टार्टेड, 2010, 2012, 2014, 2016। जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर हमारे पास सी, इसका करेक्ट ऑप्शन है 2014। इफ मोड इक्वल टू 1400 एंड मीडियम इज इक्वल टू 1500, तो आपके पास कैलकुलेट द मीन, हमने कैलकुलेट करना है। ऑप्शन ए है हमारा 650, ऑप्शन बी है हमारा 420, ऑप्शन डी है हमारा 310 और ऑप्शन डी है हमारा 550। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी हमारा 550। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मार्वलस सॉफ्टवेयर। अब आपको पता होना चाहिए मार्वलस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। जो सॉफ्टवेयर मतलब वायरस टाइप से, उसको हम बोलते हैं बेसिकली, और इन्होंने बोला वो कौन सा नहीं है, स्पाईवेयर, ठीक है, ऑप्शन फॉलवेयर, रॉकेट और वायरस। अब देखो, ये जो फायरवॉल है वो हम यूज इसलिए करते हैं ताकि वायरस हमारे इंजेक्ट ना हो, तो इसका ऑप्शन है हमारे पास फायरवॉल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, व्हाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट। हम स्काई क्यों डार्क दिखाई देती है इंस्टेड ब्लू के एस्ट्रोनॉट को। ऑप्शन ए है देर इज एन एटमॉस्फेयर प्रेजेंट इन स्पेस, देर इज एन आउटर स्पेस डैट स्क्रैप्ट द सनलाइट, लाइट डज नॉट रीच द आईज ऑफ एन एस्ट्रोनॉट एज देर इज नो एटमॉस्फेयर इन द आउटर स्पेस डैट कैन स्क्रैप्ट द सनलाइट, एटमॉस्फेयर प्रेजेंट वेयर लॉस्ट ऑफ क्लाउड डज नॉट लो सनलाइट सो इट लुक्स डार्क ऑलवेज। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, जो इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 था क्या, चूज द करेक्टली स्पेलिंग वुड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। जो हमारे पास है तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपने ये आंसर ही देख लिया, तो ये आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग सेड हिज फेमस स्पीच डू आर डाई व्हेन 13 कम्युनिस्ट मेंबर ICC वोटेड अगेंस्ट द फेमस क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ऑप्शन ए हमारे पास जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है हमारे पास महात्मा गांधी, ऑप्शन सी हमारे पास PS सेवा स्वामी
राय और ऑप्शन डी भी हमारे पास ये सेम ही आ गए हैं। तो आप इस कमेंट सेक्शन में बताइए कि AICC क्या है बेसिकली, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है महात्मा गांधी। प्रीमेबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडिया स्टेट दैट वी आर सेकुलर कंट्री। व्हाट डज द सेकुलरिज्म इन दिस इंडिकेट? फ्रीडम ऑफ वर्शिप टू मिनोरिटीज, सुपरविजन ऑफ आर रिलीजन, ए सिस्टम ऑफ पोलिटिकल एंड द सोशल फिलोसफी दैट डज नॉट फेवर एनी पार्टिकुलर रिलीजन फेथ, और सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। हु रिसीव द बेस्ट एक्ट्रेस एक्टर इन द लीडिंग रोल अवार्ड इन द 1994 अकेडमिक अवार्ड ऑस्कर? तो ऑप्शन ए है हमारे जेस्किस, ऑप्शन बी है हमारे पास निकोला किडमन, ऑप्शन सी हमारे पास कैटरीन सेटवन, और ऑप्शन बी है पिनोमन। जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। इंडस्ट्रियल लाइसिंग वार इंट्रोड्यूसिंग इन ईयर इन किस ईयर में इंट्रोड्यूस की गई थी? ऑप्शन है ए हमारे पास 1951, ऑप्शन बी है 1952, 1953, 1954। तो ये हमारे पास 1951 में इंट्रोड्यूस की गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर द ट्रू फॉर जियोट्रॉपिक विंड्स? पोटेंशियल ग्रैंड फोर्स इक्वल कोलैप्स फोर्स, सेकेंड है विंड फ्लो इन पैरेलल टू आइसोबार। तो ओनली ए, ओनली बी, ए एंड बी। तो इसका जो आंसर है ए एंड बी है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इन 2019 द सिक्योरिटी एंड द एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हाइक द मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट बाय द क्लाइंट इन द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस PMS 2। उन्होंने कितनी मिनिमम ये इन्वेस्टमेंट प्लान रखा है? 25 लाख, 50 लाख, 5 लाख और 70 लाख। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 50 लाख। बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 स्प्लिट टू स्टेट नेमली महाराष्ट्र एंड गुजरात, गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। तो जो 17 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गुजरात। द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर प्रोजेक्ट वर्थ 6 मिलियन हैज़ बीन अवार्डेड बाय द सोलर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया टू विच कंपनी? अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, टाटा पावर, ठीक है, रिलायंस पावर, और अदानी एनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर है अदानी ग्रीन एनर्जी। ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल, स्मॉल एरिया को लार्ज स्केल में ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड ड्राइंग, पोर्ट्रेट, पैन व्यू, प्लान। इसका करेक्ट आंसर है प्लान। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज कलर ब्लाइंडनेस इज ह्यूमन बींग? एक्सेस अल्कोहलिज्म डेफिशिएंट, एक्स क्रोमोजोन डेफिशिएंट, वाई क्रोमोजोन, और डिस डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। तो जो ये क्वेश्चन है इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर बताएं। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन बंदे हैं जो लास्ट तक हमारी वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको ऐसी और इफेक्टिव वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप हमें वीडियो ऐसी चाहिए। थैंक यू।